क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के आज वही हालात हैं जो आज से दो माह पहले दिवालिया होने वाले मुल्क श्रीलंका के थे। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अवाम लाचार और शदीद परेशान है। घर में खाने को दो वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सो कॉल्ड हमदर्द सियासत के नशे में डूबे ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूबा पंजाब के नए वजीर आला यानी चौधरी परवेज इलाही की। वीडियो शुरू करने से पहले डेली नेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने कुर्सी संभालते ही शाही खर्चे शुरू कर दिए। दफ्तर में शाही खानों के लिए 9,75,00,000 के अखराज आ जाएंगे, जिसमें ग्रोसरी के लिए 4,49,00,000, जबकि मटन और बीफ के लिए 1,23,00,000, चिकन के लिए 30,00,000 और सी फूड के लिए 67,00,000 रुपए। बात यहीं खत्म नहीं होती। बेकरी आइटम्स के लिए 49,00,000 रुपए, सब्जी के लिए 35,00,000 रुपए और फ्रूट्स के लिए 80,00,000 रुपए। अखराजात की लिस्ट में तीतर, बटेर, सालिम बकरे और लेग पीस भी शामिल हैं। जी हाँ नाजरीन, ये हैं अवाम के हमदर्द वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के खाने पीने के अखराजात, जो कोई और नहीं बल्कि आप ही अपनी जेब से अदा करेंगे और आप सिर्फ अपनी सियासी पार्टी के लिए लड़ते रह जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में मजीद हकाइक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।